महोदय को एक ज्ञापन आपके द्वारा प्रेषित कर रहा हूँ, जिसमें आज दिनांक 25/5 को बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रतिनिधिमंडल निम्न बंधुओं के आकार में टैफको द्वारा बनाई गई सभी कॉलोनी में 1920 से निवास कर रहे हैं, जिनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजर रही हैं। वर्तमान में 11 प्राप्त कर्मचारी रह रहे हैं, जिसमें 80% जो उस प्रतिष्ठान में काम करते थे वही वो निवास कर रहे हैं, और उनके लगभग 3500 बच्चों का इस शिक्षा की स्थिति इस आवास को खरीद कराने के जाए जाने से बहुत ही भयावह हो गई है। दूसरा, सेटलमेंट परिसर में रह रहे आवासीय श्रमिकों से आवासीय परिसर खाली कराने से वैकल्पिक तौर पर हम ने किया है कि जिन श्रमिक कॉलोनी में जो जहाँ परिवार रह रहे थे उनको आवंटित कर दिया गया, उस प्रकार से सरकार उनको आवंटित करे। और चौथी, मेरी ये कहना है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मेरी मांग है कि मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टि रखते हुए सीज किए जहर ना हो, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि माननीय न्यायालय में पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत कर आवासीय परिसर खाली करने से बचाया जाए। हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उपयुक्त बिंदुओं पर अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि उपयुक्त बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर एरनगंज सेटलमेंट आवासीय परिसर बहुजन समाज, क्या नाम है? राम शंकर कुरेल, जिला अध्यक्ष कानपुर नगर। किस इकाई से हैं? जिला इकाई से, बहुजन समाज पार्टी से जिला इकाई से। आज कमिश्नर से मिलने हैं, किस प्रकरण में मिलने आए हैं, किन बिंदुओं पर बात हुई है? हम लोग जो एलनगंज में सेटलमेंट का जो हाल है और जो कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं, हटाया जा रहा है उन लोगों को, हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को वहाँ पर ना हटाया जाए, क्योंकि अभी कई टाइप की उनको समस्याएँ हैं और उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। तो क्या आश्वासन दिया कमिश्नर? कमिश्नर साहब को हमने अपनी बात रखी है, अब जो भी कार्रवाई करें कमिश्नर साहब से आशा करते हैं कि वो उन लोगों को अभी ना खाली कराया जाए और उनको जहाँ भी समय दिया जाए। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? नहीं, अभी आश्वासन कुछ नहीं दिया, उन्होंने हमारा ज्ञापन दिया, हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया उनको।